इंद्री में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान लोगों ने हाथों में बैनर लेकर नागरिक संशोधन कानून के पक्ष में नारे लगाए। यह रैली इंद्री के गांव मटक माजर से शुरू होकर इंद्री तहसील परिसर में पहुंची। यहां एसडीएम की नामौजूदगी में उनके एक अन्य अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के हरियाणा व दिल्ली प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नागरिक संशोधन कानून की आड़ में देश में दंगे करवाकर देश को विभाजन की आग में झोंकने का काम किया है, देश की एकता व अखंडता को खत्म करने का पाप किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, यह कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला है। भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है और इस धर्म के दो लोग देश के राष्ट्रपति बने तथा मुसलमानों के लिए देश में शिक्षा देने के लिए कई विश्वविद्यालय भी बने हुए हैं, ऐसा कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध करने वाले भारतीय होने का दावा नहीं कर सकते हैं और इन लोगों को कानून के दायरे में रहकर सबक सिखाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता धर्मपाल शालिंडे ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून किसी के विरोध में नहीं है, इस कानून से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देश की जनता, देश के सभी मत पंथ सब एक हैं, सब ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया है, लेकिन कुछ तथाकथित सेकुलर राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक तथा कथित तरीके से बढ़ाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि इस देश की मान्यता है जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि मानता है वो इस देश का सच्चा नागरिक है। कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन अहमद अली इस देश के राष्ट्रपति रहे, चार चार पांच पांच यूनिवर्सिटियां हैं, सबको समानता से जीने का अधिकार है, खतरा कहाँ है? केवल इस बिल में जो अपने देश के हिंदू दूसरे मुल्कों में थे उनको प्रताड़ित करके यहाँ खदेड़ा गया, उनको सुरक्षित अपने एक स्थान अपनी मातृभूमि भारतवर्ष लगा। 90 के दशक में 14,000 सिख अफगानिस्तान से खदेड़े गए तो वो कहीं नहीं गए, उनको भारत अपनी मातृभूमि सुरक्षित भूमि नजर आई। ऐसे बंधु बहुत सारे हैं, वो पारसी हैं, यहूदी हैं, जैनी हैं, बौद्ध हैं, तो उनको सम्मान से जीने का, वोट डालने का, खेती करने का सम्मान मिले, जीने का सम्मान मिले, स्वाभिमान से जीने का सम्मान मिले, उसके लिए CA का बिल है, न कि किसी के विरोध का बिल है। इसलिए ये भ्रम फैला करके देश में एक विभाजन करना चाहते हैं, ऐसे लोग गद्दार हैं, संविधान विरोधी हैं। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम कोटि कोटि नागरिक कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस बिल को पारित किया। ये बिल बहुत पहले पारित होना चाहिए था, मनमोहन सिंह ने भी इसकी चर्चा चलाई थी, लेकिन सैकड़ों राज्यों के आगे वो दब गए, उनकी चली नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है ये देश की अखंडता के लिए और देश को बलवान बनाने के लिए किया है, और हर हिंदू को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा इस बिल से, किसी को कोई खतरा नहीं है। उदाहरण देता हूं, जब देश का विभाजन हुआ हम दर्द वाले दो भाई थे, छोटा भाई पाकिस्तान चला गया, उसका कारखाना भी छीन लिया गया, उसका मर्डर भी कर दिया गया, और हम दर्द का बड़े वाला भाई अब्दुल हमीद भारत में हर फार्मेसी पर उसकी दवा बिकती है, हर जगह उसकी फैक्ट्री है, कहीं किसी ने उसका ताला तोड़ा हो तो कोई बताए, तो सुरक्षित कहाँ है? सब प्रकार के लोग, सब मत पंथ के लोग भारत में है। भारत एक वैश्विक पिता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा नारा है और इसी नारे को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसी के समर्थन में हमने ज्ञापन दिया कि हम आपके साथ हैं, इस प्रकार के कार्य करते रहो ताकि देश आगे से सबल बने, सोने की चिड़िया बने, भारत की जय जयकार। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया है, जिन्होंने देश के टुकड़े किए हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा है,
1937 के चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इकट्ठे लड़े थे विधान परिषद के। जब कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत मिल गया तो लीग के साथ उन्होंने साझा सरकार नहीं बनाई, लीग को दुत्कार दिया और खलीक भाई कुंजमा को दुत्कार दिया और विभाजन की पहली बात, इस देश में तोड़ने की बात, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम बंधुओं को साथ किसी ने खिलाफत और गद्दारी की है तो वह कांग्रेस के लोगों ने की है और वो बीज उन्होंने बोया है नफरत का। ये जो बिल पास किया है ये भारत को जोड़ने का बिल है, तोड़ने का बिल नहीं है। तो ओवैसी खिलाफ बोलता है हर समय, क्या कारण है? कोई ऐरा गैरा टुच्चा कुछ बोल लेगा, कोई बिल्ली शेर की तरफ मूंछ फटकाएगी तो शेर आक्रांता हो जाएगा क्या? नहीं, हिंदू शेर है वो किसी बिल्ली के बोलने से चिढ़ने वाला नहीं है, ऐसी बिल्लियां कुतिया भौंकती रहेंगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, हर पार्टी के लगभग, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, निकम्मे लोग भी होते हैं, सभी ने CAA के समर्थन में समर्थन किया है। जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हिंदू आए हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल आया है। ये बिल नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए है। देशद्रोही लोग हैं जो इस देश को पहले भी बर्बाद कर चुके हैं, देश को नुकसान कर चुके हैं, वही लोग एक आग फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस देश का नागरिक अब बहुत जागरूक हो चुका है, वो इस देश के हित की बात करने लग गया है, वो देश को समझने लग गया कि वे मेरी भारत माता है और दोबारा से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारत सरकार के साथ है और इस बिल का समर्थन करता है, हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।